आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आटे के हलवे की रेसिपी, जिसे हम कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं और इसे मंदिरों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जो कि सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, और जब हल्की सी कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम इसमें एक कप घी ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर मेल्टेड घी ले रहे हैं तो आपको एक कप लेना है, और अगर आप यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको 3/4 कप लेना है। इसके बाद मैं इसमें एक कप गेहूं का आटा ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा सा मोटा आटा है, अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो भी आप बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से हमें भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। मैं यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए भूनने वाली हूँ। तो बस इसी तरह से इसे कंटिन्यूस चलाते जाना है और अच्छे से कलर चेंज होने तक इसे भून लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको झाग भी दिखाई देंगे। मैं आपको इसकी सारी स्टेजेस दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से इसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दाने दिखाई दे रहे होंगे। जैसे जैसे ये आटा अच्छे से भुनता जाएगा इसमें आपको दाने अलग से दिखाई देने लग जाएंगे। जब दाने अच्छे से पक जाएंगे तो आपको इसी तरह से ये दानेदार दिखाई देने लगेगा। अगर इस तरह से नहीं दिखता है तो आपका हलवा ज्यादा टेस्टी और ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए हमें आटे को बहुत ही अच्छे से भूनना है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच नारियल पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ना डालें, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर से मैं इसे अच्छे से मिक्स करके भूनती जाऊंगी। अभी इसका कलर थोड़ा सा और ब्राउन करना है हमें। तो अब आप देख सकते हैं कि काफी कलर चेंज हो चुका है। कैमरे में आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है बट ये थोड़ा और ब्राउन हो चुका है। तो बस इसी तरह हम इसे टोटल 7 से 8 मिनट तक भून चुके हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 2 कप पानी ऐड करूंगी। तो 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसमें 2 कप पानी भी ऐड कर दूंगी। तो पानी डालते ही आपको इसका कलर बहुत लाइट दिखाई देगा बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जब हम चीनी ऐड करेंगे तो इसका कलर फिर से डार्क हो जाएगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियां पड़ सकती हैं, इसीलिए इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इसे 5 मिनट ठंडा होने के बाद भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, कोई भी गुठलियां नहीं है इसमें। और बस इसे अच्छे से चलाते जाना है जब तक कि घी हलवे से सेपरेट ना हो जाए। तो बस मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाऊंगी अच्छे से। अगर आप अच्छे से नहीं चलाएंगे तो हलवा जल भी सकता है। अब मैं यहाँ पर इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 कप चीनी यूज की है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा इसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और जैसे जैसे ये हलवा पकता जाएगा वैसे ही इसका कलर चेंज होता जाएगा, ये डार्क होता जाएगा। तो बस इसे अच्छे से हमें फिर से मिक्स करते जाना है, और जब तक घी सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते जाएंगे। तो ये देखिए अब हलवा कढ़ाई से अलग हो चुका है बट अभी हमें इसे और पकाना है। काफी लोगों को लगता है कि बस कढ़ाई से अलग होते ही हलवा पक चुका है बट ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी डालने के बाद भी हमें लगभग 10 मिनट लग जाते हैं हलवे को पकाने में। तो बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसे फिर से हम पकने देंगे। बस बीच बीच में से हमें चलाते जाना है। थोड़ी देर में हलवे से घी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इसका कलर काफी चेंज हो चुका है अब पहले से। तो बस इसे मैं इसी तरह चलाते रहूंगी, और अब आप साइड्स में देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा घी रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, और ये स्पैचुला से भी नहीं चिपक रहा है, ये देखिए।
तो बस अब हमारा हलवा पकने वाला है, बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे। तो ये देखिए आपको साइड्स में घी दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको सारी स्टेजेस दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुका है। और ये देखिए अब हमारा हलवा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं साइड्स में कितना घी दिखाई दे रहा है। तो बस इसी तरह से जब हमारा हलवा पक जाएगा तो इसी तरह से आपको घी साइड्स में नजर आने लगेगा। तो बस ये हमारा हलवा बनकर तैयार है, गैस को हम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इस हलवे को सर्व कर लेंगे। तो बस इस तरह से आप भी हलवा बनाकर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और मैंने आपको सारी स्टेजेस बता ही दी हैं कि किस तरह से आपको इसे करना है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये प्रसाद बनाने में। तो आप भी इसे बनाइए और सबको खिलाइए, सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और थोड़ा सा इसे ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर दीजिए तो दिखने में भी ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप भी इसे बनाकर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।